हेलो एवरीवन, आज का ब्लॉग मैंने चिकन हक्का नूडल्स पे बनाया है। चलो देखते हैं रेसिपी। रेसिपी बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैन लिया है, उसमें ऑयल डालकर पहले मैंने ऑनियन डाला, इसको फ्राई करने के लिए। 5 मिनट फ्राई होने के बाद फिर मैंने गाजर डाला उसमें और उसको भी 5-10 मिनट तक उसको अच्छे से फ्राई होने दिया, जब तक वो सॉफ्ट नहीं होता है तब तक। उसके बाद मैंने कैप्सिकम ऐड किया और उसको भी 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने दिया। ये फ्राई होने के बाद हम लोग ऐड किए कैबेज को भी अच्छे से फ्राई होने दिया मैंने 5 मिनट तक। ये अच्छे से फ्राई होने के बाद हम लोग ऐड करेंगे बॉइल्ड चिकन। ऐड करने के बाद अच्छे से उसको भी हम लोग 5-10 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने देते हैं, तो पूरे वेजी के साथ मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं सोया सॉस और टर्मरिक, सॉल्ट, गरम मसाला सब ऐड कर देंगे यहाँ पे और इसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं। ये सब इंग्रेडिएंट अच्छे से 5-10 मिनट तक प्रॉपर पक जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे जो हमने पहले ही बॉईल करके 5 मिनट के 10 मिनट तक हम लोग ने नूडल्स को बॉईल करके रखा है साइड में। वो बॉईल नूडल्स अभी ये अच्छे से सब्जी अपनी रेडी होने के बाद हम लोग ऐड करेंगे ये बॉईल नूडल्स और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, अपरली मिक्स कर देंगे। इस तरह से अपना का नूडल्स रेडी हो चुका है। इसको 5-10 मिनट तक ढक के हम रख देंगे तो ये अच्छे से इंग्रीड हो पक जाएगा। ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर डाल देंगे। ये देख रहे हैं मेरा नूडल्स रेडी हो चुका है और आप बच्चों को लोगों को इजी दे सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे में रेडी होते हैं। बाहर से ऑर्डर करने से अच्छा आप घर पर ये रेसिपी ज़रूर तैयार की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।